हेलो दोस्तों, वेलकम टू गैरेज ऑफिशियल। और आज हम हैं आहिर होंडा में, जो कल्याण में सिचुएटेड है। अगर आपको कोई भी होंडा की बाइक्स का टेस्ट राइड लेना होगा या फिर खरीदना होगा तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे ऑफर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अभी होंडा एक्टिवा 125 के बारे में, जो एक प्रीमियम रेंज स्कूटर है जो एक्टिवा के ऊपर है, जिसमें आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। एंड जो ये जो कॉम्पिटिशन में आती है, वो सारे कॉम्पिटिशन का जो मद्देनजर देखा जाए तो ये जो स्कूटर है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। एक्सेस 125 से भी ज़्यादा बढ़िया स्कूटर मुझे ये लगती है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजन्स हैं जो आपको इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले चेक करेंगे इसका डिज़ाइन एलिमेंट्स। ये पूरी जो बॉडी है वो मेटल की दी गई है। ये चेक के लिए सिर्फ आपको जो एप्रन पार्ट, ये जो क्राउन पार्ट मिलता है, वो आपको फाइबर का देखने को मिलेगा। बाकी जो बॉडी है वो आपको मेटल की देखने को मिलेगी, जिससे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी लगती है। एंड ओवर द टाइम इसमें रैटलिंग नॉइज आपको इतने भी नहीं आएंगे। फ्रंट में जो आपको ये ब्लैक कलर का वाइजर टाइप डिज़ाइन दिया गया है विद दिस रेड कलर, जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आपको फ्रंट में ये LED हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग। एंड यहाँ पे आपको जो एप्रन पार्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग दी गई है। एंड ये जो कटेड शार्प कट्स दिए गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक लगते हैं। एंड क्रीजेज एंड ये लाइंस काफ़ी ज़्यादा उभर के आते हैं। जब आप इसे रोड पे लेके जाओगे तो इसका रोड प्रेजेंस है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कंपेयरिंग द अदर स्कूटर्स इन द मार्केट, थोड़ी हटके है और थोड़ा प्रीमियमनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कंपेयरिंग द एक्टिवा, एक्टिवा में 110 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। थोड़े कॉस्ट कटिंग की गई है उसमें, बट इसमें आपको थोड़ा भी कॉस्ट कटिंग आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक्सेसरी का पार्ट है जिसपे आपको 125 की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। और यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस, अलग से पे करने पड़ते हैं इसमें। और ये जो आपको हेडलाइट यूनिट देखने को मिलता है, बेसिकली दीज आर द टर्न इंडिकेटर्स ओनली जो आपको हेलोजन देखने को मिलेंगे। बट इसके अंदर आप देखोगे ये क्रोम की स्ट्रिप जो है ना एम्बेड कर दी गई है, जो काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। एंड इफ यू आस्क मी, ये दूर से देखोगे तो एट द सेम टाइम क्लासी भी लगती है और थोड़ा स्पोर्टीनेस की तरफ भी झुकाव आपको देखने को मिल जाएगा। चेक करेंगे इसके मडगार, तो वो भी आपको मेटल के देखने को मिलते हैं। साइड में राउंड शेप में आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और ये जो सस्पेंशन है ना दोस्तों, काफी ज्यादा अच्छे हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो खराब रोड्स पे, अनइवन रोड्स पे, इवन गांव खेड़ों में भी अगर आप जाओगे इस स्कूटर को लेके, तो आपको अच्छे सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। थोड़े स्टीफर साइड में है क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे आपको ये काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। 190mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट में देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको CBS टेक्नोलॉजी इसमें भी देखने को मिलती है। सेम C8 के टायर्स दिए गए हैं, जो 12 इंच के टायर्स है। और आपको जो पीछे टायर्स मिलते हैं ना दोस्तों, उसमें आपको 130mm का ड्रेस देखने को मिलता है, जहां पे आपको 10 इंच के टायर्स देखने को मिलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा, CBS टेक्नोलॉजी होंडा प्रोवाइड करती ही है, जहां पे आपको अच्छी स्टॉपिंग पावर देखने को मिल जाती है इस स्कूटर्स में। बात करूं प्राइस के बारे में, तो लगभग 81,000 का एक शोरूम प्राइस है इस DLX मॉडल का। इसका ऑन रोड प्राइस कितना है कल्याण या डोंबिवली में या फिर इवन मुंबई में, आपको मैं डिस्प्ले पे जरूर डाल दूंगा, वो जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इसका साइड लुक। साइड से अगर आप देखोगे तो साइड से इसका व्हील बेस भी देखोगे तो ज्यादा लंबा नहीं है। आपको राइड एंड हैंडलिंग भी बढ़िया देखने को मिल जाती है। फुटबोर्ड पे जो जगह भी दी गई है काफी ज्यादा वाइड है, आप दोनों पैर रखने के बावजूद भी अच्छी जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ हुक टाइप कुछ तो जगह दी गई है, जहाँ पे आप कुछ सामान लटका सकते हो। यहाँ पे आपको एक कार इंस्पायर्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, जो मुझे काफी ज्यादा कूल लग रहा है। आपको कार्स में इस तरीके के ग्लव बॉक्स देखने को मिलते हैं, इवन द सुजुकी बर्गमैन उसमें भी आपको इसी तरीके का ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको चाबी डालना है, यहाँ से फ्यूल गेज आप ओपन कर पाओगे, यहाँ से आपकी सीट ओपन कर पाओगे, यहाँ से आपको सिर्फ प्रेस करना है इसे फ्यूल का, तो आपका पीछे का जो फ्यूल लीड है वो ओपन हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हो गया इसको। ओके, इसे आप दबाओगे तो पीछे का फ्यूल गेज ओपन हो जाएगा, ये चेक कर लीजिए। सेम आपको डियो में भी इसी तरह का देखने को मिलता है, इवन इन द एक्टिवा। एंड यहाँ पे आपको इसका अंडरनीथ स्पेस चेक कर सकते हो, काफी डीप है। और यहाँ पे एक फुल फेस का हेलमेट तो आराम से बैठ ही जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। आई थिंक एक चीज मिसिंग है इस स्कूटर में, जो है चार्जिंग सॉकेट्स। अगर चार्जिंग सॉकेट्स इसमें दे दिए जाए ना, तो ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगी ये गाड़ी, और जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है फॉर दोस जो लॉन्ग टूर पे जाते हैं, वहां पे उनको चार्जिंग के लिए एक इश्यू नहीं हो सकता है। चेक करेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये देख लीजिए, एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जहां आपको ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको माइलेज भी दिख जाता है कि कितनी गाड़ी दे रही है। मैं आपको एक रफली माइलेज बताऊं इस गाड़ी की, तो आपको सिटी में लगभग 40 के आसपास माइलेज
डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड अगर आप हाईवे पे जाओगे कंसिस्टेंट स्पीड में चलाते हो 60 टू 70 के बीच में, तो 50 के आसपास आपको माइलेज इसमें देखने को मिल सकता है। ये देख लीजिए इसके एलईडी, इसका जो थ्रो है ना काफी बढ़िया है, रात के समय में भी आपको अच्छी लाइट्स देखने को मिल ही जाती है इसमें। चेक करेंगे इसके स्विचेस तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं कंपेयरिंग द डीओ एंड द एक्टिवा, उन दोनों से इसके स्विच क्वालिटी थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे। टर्न इंडिकेटर्स एंड हॉर्न यहाँ पे दे दिया गया है। इसके जो आपको मिरर्स भी देखने को मिलते हैं थोड़े बड़े मिरर्स हैं एंड इनका व्यू भी काफी अच्छा है, थोड़े शार्प एंड स्लीक देखने को मिल रहे हैं। एंड ये जो फिनिश दिया गया है ना अराउंड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये ग्रे कलर का, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है, स्कूटर ही बहुत प्रीमियम लगती है। और इसकी जो पेंट क्वालिटी है ना दोस्तों ये देख लीजिए काफी अच्छे हैं, ओवर द टाइम आपको ना ये फेड नहीं होंगे, तो पेंट क्वालिटी के मामले में भी एंड पैनल गैप्स भी बहुत इवन है, आपको जरा भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी को प्रॉपरली इंजन डिजाइन नहीं किया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ट्विक्स किए गए हैं कंपेयरिंग द एक्टिवा। यहाँ पे आपको जो ग्रैबरल्स ये सिल्वर एंडरडाइज ग्रैबरल्स देखने को मिलते हैं, आई थिंक ओवर द टाइम इसके कलर जरूर निकल सकते हैं बट दैट नॉट द मेन इशू। यहाँ पे सीट बहुत लंबी और बड़ी सीट देखने को मिल जाती है, आराम से दो लोग आसानी से यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आपकी हाइट लगभग 5.5 के आसपास भी है तो आपको मैं चेक कराता हूं कि आपको हाइट कैसे देखने को मिलेगी। तो अगर 5.5 5.6 के आसपास का बंदा बैठेगा तो वो बैठ के देखा तो उसके दोनों पैर जो है नीचे रख के देख फुट डाउन हो जाएंगे आराम से, क्योंकि अभी डबल स्टैंड पे, जैसे डबल स्टैंड हटा दूंगा इसकी हाइट लगभग 5.5 के आसपास है, दोनों पैर इसके आराम से फुट डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक क्रोम की स्ट्रिप दी गई है, एक्टिवा 125 लिखा हुआ है, जिससे आपको प्रीमियमनेस की तरह काफी ज्यादा अट्रैक्ट की गई है। ये आपको सारे एक्सेसरी के पार्ट ही देखने को मिलेंगे। इसकी जो टेल लाइट्स है वो भी काफी बढ़िया दिखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आपको एम्बॉस कर दिया गया है एक्टिवा 125 एक क्रोम स्ट्रिप के अंदर, हेलोजन ही टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। बट इसका डिजाइन मैं कहूंगा काफी ज्यादा नीट एंड सटल देखने को मिलता है। पीछे के टायर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया 10 इंच के टायर्स है, आगे आपको 12 इंच के टायर्स मिलते हैं जिसकी साइज है 90x100 10 इंच के। पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा, 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जिसकी पावर फिगर्स में कहूँ तो बहुत ही बढ़िया है, लगभग 10 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क जनरेट करता है जो आई थिंक आपको जरा भी कम नहीं लगेगा। गाड़ी पिकअप अच्छे तरीके से ले लेगी, कहाँ पे भी लेके जाइए, अन इवन रस्तों पे, खड्डों पे एंड इवन द बाउंसी जगह पे भी आप जाओगे स्पीड ब्रेकर पे से, रमलर पे से भी ना, तो आपको सस्पेंशन काफी अच्छी तरीके से ट्यून किए गए हैं। जब आप इसे पर्सनली चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा रिफाइंड इंजन होते हैं होंडा के। होंडा के इंजन बहुत ज्यादा रिफाइंड होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल होते हैं, तो इसका जल्दी एक राइड रिव्यू लाने की भी मैं कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ऐसे और कौन से प्रोडक्ट्स देखना चाहते हो होंडा की तरफ से आप मुझे बताइए, सारे वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा, सारे वेरिएंट्स पे भी वीडियो बनाएंगे। और ये जो पर्सनली ये कलर जो है सॉर्ट ऑफ रेड एंड कहूंगा थोड़ा मरून टाइप का कलर जो है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एग्जैक्ट इसका नाम क्या है मैं आपको डिस्प्ले पे छोड़ दूंगा। 81,000 के आसपास इसका प्राइस है एक्स शोरूम, जो ऑन रोड आपको 90 के अबाव ही जाने वाला है। एग्जैक्ट प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई भी होंडा की बाइक्स या स्कूटर खरीदनी होगी आहेर होंडा में आप कनेक्ट कीजिए, नीचे नंबर्स दिए गए हैं। अगर आप डोंबिवली कल्याण के नजदीक भी रहते हो तो आप यहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हो, आपको एक टेस्ट ड्राइव भी जरूर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करेंगे दोस्तों, मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, तब तक टेक केयर, राइड सेफ।